पार्टी तोड़ने वालों के खिलाफ एनसीपी ने की एक्शन की मांग। अजीत पवार समेत शपथ लेने वाले 9 मंत्रियों के खिलाफ अयोग्यता याचिका विधानसभा स्पीकर के पास भेजी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि शपथ लेते ही अयोग्य हो गए सभी विधायक, केंद्रीय चुनाव आयोग को भी हमने सूचित किया। पार्टी में टूट को एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे। सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत पवार का फैसला उनका अधिकार है, लेकिन खुशी होगी वो पार्टी में वापस आ जाएं। एनसीपी नेता जितेंद्र हवाड ने कहा कि अभी 9 विधायकों के खिलाफ स्पीकर को याचिका दी है, बाकी विधायक भी अगर नहीं लौटे तो उन्हें भी छोड़ेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में हुआ है बड़ी उलटफेर। शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 8 और विधायक शिंदे सरकार में शामिल हुए। छगन भुजबल ने ली मंत्री पद की शपथ। अजीत पवार को वित्त और राजस्व मंत्रालय मिल सकता है। महिलाएं एवं बाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण जैसे विभाग एनसीपी के मंत्रियों को मिल सकते हैं। शपथ लेने के बाद बोले धनंजय मुंडे, शरद पवार आज भी हमारे नेता और आगे भी रहेंगे, अघाड़ी छोड़ने की वजह अजीत पवार बताएंगे। एनसीपी पर अजीत पवार ने ठोका दावा, कहा कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, एनसीपी का नाम और निशान हमारा। अजीत पवार को ओर से दो टूक, नागालैंड में जब बीजेपी के साथ जा सकती है एनसीपी तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं जा सकती। शपथ ग्रहण के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे, जब महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है अब सरकार और तेजी से चलेगी। आज महाराष्ट्र के सातारा जाएंगे शरद पवार, पूर्व सीएम यशवंत राव चव्हाण को श्रद्धांजलि देंगे। भतीजे की बगावत पर बोले शरद पवार, इसका संदेशा मुझे पहले से था लेकिन जो हुआ है उसकी चिंता नहीं। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार के साथ असली एनसीपी नहीं प्रफुल्ल पटेल ने भी मुझे धोखा दिया। एनसीपी ने जितेंद्र हवाड को नियुक्त किया नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक, पहले अजीत पवार थे। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए, पूछा ये कैसा ओपोजिशन है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है, अब भ्रष्टाचारियों के दाग धुल गए। सोनिया गांधी ने सियासी हालात पर शरद पवार से बात की, समर्थन का भरोसा दिया। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा कि कुछ दिनों में महाराष्ट्र को नया सीएम भी मिलेगा, एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य ठहराए जाएंगे। मुंबई में कई जगहों पर लगाए गए हैं अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर, शपथ ग्रहण लेने के लिए बधाई। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर एनसीपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, महाराष्ट्र के जलगांव में मनाया जश्न। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हलचल तेज, आज कानून और न्याय की संसदीय समिति की बैठक होगी, विधि आयोग को भी बुलाया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूसीसी का समर्थन किया, कहा कि एक समान कानून लागू होने से देश मजबूत होगा, बीएसपी नहीं करेगी विरोध। यूसीसी को लेकर बोले अखिलेश यादव, नोटबंदी और 2000 के नोट बंद करने को लेकर बीजेपी के पास जवाब नहीं, इसलिए उठाया मुद्दा। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, संसद के मॉनसून सत्र को लेकर हो सकती है चर्चा। राजस्थान को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, सीएम गहलोत और सचिन पायलट के मतभेदों को लेकर चर्चा हो सकती है, सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी मिलने की अटकलें। AIIMM प्रमुख ओवैसी ने राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा से मुलाकात की, बैठक के बाद ओवैसी ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर लिखी किताब का होगा विमोचन, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव करेंगे विमोचन। कर्नाटक विधानमंडल के आज से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के हंगामेदार होने के आसार, चुनावी गारंटी को लेकर सिद्धरमैया की सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन से लॉर्ड्स टेस्ट जीता, 5 मैचों की सीरीज 2-0 से की बढ़त बनाई। बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम का ऐलान, रेणुका सिंह ऋचा घोष बाहर। पीसीबी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृहमंत्री और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने की मंजूरी मांगी। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया। भारत ने जीता एशिया ओशियाना आईसी रॉड लेवर जूनियर चैलेंज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गुरुग्राम संपर्क से समर्थन अभियान के तहत क्रिकेटर शिखर धवन से मुलाकात हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।